कुछ बूढ़े बूढ़े अंकल लोग ना बहुत डेंजर ड्राइविंग करते हैं। वैसे काफी सारा गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है वॉशिंग के लिए। कल से मैं निकल रहा हूँ और एक ट्रिप के लिए जो 5 दिन का सफर रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, होपफुली आप सब अच्छे हो और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। धुबड़ी से रिटर्न आया, आज सुबह ही आके पहुँचा और गर्मी का मौसम अभी शुरू हो चुका है अपने गुवाहाटी। बहुत ज़्यादा धूप है, अपने बैलकनी से अगर किसी भी तरह मैं देखूँ हर तरफ धूप ही धूप है। सिर्फ एक दिन का ही टाइम है मेरे पास अपने घर में और मंडे मॉर्निंग में फिर से निकल रहा हूँ, मतलब संडे सुबह आके पहुँचा हूँ और मंडे मॉर्निंग फिर से नया जाए। मेरी वाइफ को फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा शौक़ है, गार्डनिंग बहुत ज़्यादा करती है और ये सब ऐसे मेंटेन करके रखती है, मुझे घर में आके देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो यहाँ पे है और नीचे भी काफ़ी सारा है, मतलब उसने घर के चारों तरफ लगाया है, दाएं बाएं आजू बाजू हर तरफ। और मेरा कार का क्या हाल हुआ होगा देख लेता हूँ एक बार। ओह, चिड़ियों ने अपना काम कर दिया अब इनका भी पोटी साफ करना पड़ेगा, क्या करेंगे। कोई बात नहीं, कार को लेके कार वॉश में चला जाता हूँ और आज वहीं पे धुलवा लूँगा क्योंकि मेरे में इतना ताकत नहीं बचा है कि मैं साफ कर पाऊँ। कार का 2 की है, एक जो फ़िलहाल चल रहा है लेकिन ये ऐसे टूट गया तो इसको ठीक करना पड़ेगा, और दूसरे में बैटरी ख़त्म हो गया, इसको आज मैं बैटरी डाल के लाऊँगा। वैसे मेरा कार बाहर से जितना भी गंदा हो अंदर बहुत साफ़ रहता है, इसका रीज़न ये है कि मैं कभी ग्लास खुलता ही नहीं हूँ, गर्मी हो ठंडा हो कुछ भी हो ग्लास हमेशा मेरा आप रहता है, तो इसके वजह से इंटीरियर बिल्कुल साफ रहता है। रिसेंट टाइम में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मतलब कंस्ट्रक्शन का काम शायद अपने इंडिया में हर सिटी में बहुत ज़्यादा चल रहा है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ में, और इसकी वजह से क्या हुआ ना, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई। फिलहाल मेरे राइट साइड में देखिए, ये इतना बड़ा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इन लोगों ने रास्ते का हाल क्या कर दिया है, जो मतलब सोसाइटी का छोटा छोटा लेन हो, मेरे हिसाब से बिल्डर्स जो लोग काम कर रहे हैं ना इनको सुबह शाम 2 बार इसमें वाटरिंग करना चाहिए। गाड़ी से वाटरिंग हो जाता है, कम से कम डस्ट एलर्जी तो लोगों को नहीं होगा ना। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैफिक जाम लगा है और सिटी का यही लाइफ है, यही हाल है, क्या करेंगे हर तरफ, और इसी को लेके जीना है जब तक सिटी में रहना है। कुछ बूढ़े बूढ़े अंकल लोग ना बहुत डेंजर ड्राइविंग करते हैं। ये सामने वाले अंकल अभी अचानक से लेफ्ट साइड से आके मेरे सामने कट किए, क्या करूँगा। चलो मैं आपका भतीजा हूँ, सगाना सही, साइड दे दिया मैं इनको, जाते रहो। पीछे से किसी ने ऑलरेडी उनको ठोका हुआ है, बहुत बुरा हाल है इनका, आज मेरे से भी ठुक जाते। YouTube में वीडियो बनाना मेरा पैशन है, मैंने पहले भी बोला था, मेरे जब मैंने अपना पहला वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम में मैंने बोला था, लेकिन मैं काम दूसरा कुछ करता हूँ। यहाँ पे सक्सेस मिलना ना मिलना डिपेंड करेगा मेरे एबिलिटी के ऊपर, मैं कैसा वीडियो बनाता हूँ उसके ऊपर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, नो डाउट मैं कोशिश किए जा रहा हूँ, लेकिन मेरा काम कुछ दूसरा है और उसमें मैं फ़िलहाल मन लगा के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और तरक्की करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर कोई अपना 25, 20, 30 इस उम्र में अगर चैन से सो गया ना तो समझो वो किसी का नहीं रहा, खुद का भी नहीं रहा, कुछ कर नहीं पाएगा। ये मतलब हम लोग वीडियोस में सुनते हैं या तो मतलब ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर लोग बोलते हैं कि मतलब सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे, बात तो सुनने के लिए सही है, मोटिवेशन के लिए सही है, लेकिन रियल वर्ल्ड में सच में अगर आपको मोटिवेट होना है तो सपनों के पीछे आपको ऐसे ही दौड़ना पड़ेगा। सपना नहीं, आपका हार्ड वर्क आपको सोने ना दे, मतलब आप सोए हो सोच रहे हो ये 3 काम था, अगर मैं अभी कर लेता तो बेटर था, मैं और एक स्टेप आगे जा सकता था, तो ऐसे ही होता है। फिलहाल मेरा वही चल रहा है, मैं ठीक से नींद पूरी भी नहीं कर रहा हूँ, आँखें भी मोटी मोटी हो गई, चश्मे के अंदर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। अपने शहर में ड्रेन साफ़ करने के लिए ये लेफ्ट साइड में एक गाड़ी आया है और इसमें मशीन लगा हुआ है, इसको सक्शन मशीन बोलते हैं, और जहाँ पे ये लोग काम करते हैं ना एक साथ 5-6 गाड़ी लगा देते हैं लाइन में, और इनके वजह से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है, मतलब बारिश से पहले इन लोगों को सब ड्रेन साफ़ करना है। तो मैं अपना पहला काम के लिए आके पहुँचा, मतलब बहुत सारा काम लेके निकला हूँ आज,
तो ये सब काम करने के बाद जाके मुझे कार वॉश के लिए जाना है। तो गाड़ी कुछ सही पार्किंग हुआ नहीं, एक्चुअली जगह भी नहीं था, चलो ऐसे ही पार्किंग करके जाना पड़ेगा। और मेरे हाथ में ये दो बड़ा बड़ा बैग जिनको मैं लाने गया था, और अभी रख देता हूँ गाड़ी के पीछे। वैसे कार वॉश में जाते हुए मैं सोच रहा हूँ, मेरा गाड़ी का अंदर तो ज़्यादा गंदा है नहीं, सिर्फ बाहर ही गंदा है, सो मैं बाहर से इसको वॉश करवा लेता हूँ, ये सही रहेगा और इसमें मेरा टाइम कंज्यूम भी कम होगा और जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल सामने ये कार वॉश है, यहीं पे एंट्री करके देखता हूँ। एक गाड़ी निकल रहा है, उसके बाद ही शायद मैं घुसा पाऊँगा। चलो निकल गए भाई साहब, अभी मैं एंट्री करता हूँ। बहुत सारा गाड़ी जमा है अभी फिलहाल यहाँ पे, तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी बात करके देखता हूँ। वैसे काफ़ी सारा गाड़ी यहाँ पे रुका हुआ है वॉशिंग के लिए, लेकिन मैं कंसीडर हो गया क्योंकि मुझे सिर्फ बाहर से वॉशिंग करना है इसलिए। तो अब शुरू हो गई मेरी कार की धुलाई, और आज बढ़िया से धुलेगा बाहर से, क्योंकि अंदर से करने का टाइम नहीं है। तो अभी गाड़ी धुल के बिल्कुल रेडी है और मैं अभी निकलता हूँ। तो अभी गाड़ी अंदर और बाहर दोनों साइड से बिल्कुल साफ है, और फिर से चलाने में मज़ा आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जब गंदा होता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती है, एक बार साफ़ हो जाए तो बिल्कुल सही है। सेंटर में जहाँ पे मैंने कार को वॉश करवाया वहाँ पे पूछा, इन लोगों के पास आप फ़िलहाल है नहीं, इन्होंने कहा कि आप एक घड़ी की दुकान में चले जाओ। तो फिलहाल मैं एक घड़ी की दुकान में जाता हूँ, जाके चेक करता हूँ वहाँ पे, अगर मिल जाए तो बढ़िया है। तो कार वॉश वाले भैया ने जो एड्रेस बताया था उस एड्रेस पर मैं आके पहुँचा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो दुकान है उनका कहना है कि अभी उनको रेस्ट करना है एक घंटे तक, एक घंटा तो मैं खड़ा नहीं हो सकता। मतलब आज के दिन में यही एक काम बाकी रह गया जिसको मैं कर नहीं पाया, और ये फ़िलहाल होगा भी नहीं क्योंकि एक घंटा तो वेट किया नहीं जा सकता है। चाबी का बैटरी का काम हुआ नहीं, लेकिन तेल तो भरवा पाऊँगा, पेट्रोल पंप वाला तो रेट नहीं कर रहा है, और तेल भरवा के गाड़ी को कुछ दिन के लिए घर में रख के मैं निकल जाऊँगा। तो मेरे दोस्त, मैं आप सबको बता दूँ, कल से मैं निकल रहा हूँ और एक ट्रिप के लिए जो 5 दिन का सफ़र रहेगा, और बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ। घर आया था, गाड़ी को साफ किया, ज़रूरी 3-4 काम किया, एक दिन का मेहमान था, यही मेरा लाइफ है, और फिर से मैं निकल रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोगों को मिलता हूँ और एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।